दोस्तों, टीम इंडिया के इस धाकड़ बल्लेबाज ने किया संन्यास का ऐलान। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को कहा अलविदा। जानने के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अनुभवी बल्लेबाज और भारतीय टीम के पूर्व ओपनर मुरली विजय ने 30 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 38 वर्षीय इस धाकड़ बल्लेबाज ने अपने रिटायरमेंट को लेकर ट्वीट करके जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने अपने क्रिकेट के सफर के साथ समर्थन के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया। हालांकि यह अब विदेशी लीग में खेलते हुए दिखाई देंगे। मुरली विजय ने ट्वीट कर जारी बयान में कहा, आज मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करता हूँ। 2002 से 2018 की मेरी यात्रा मेरे जीवन का सबसे शानदार वर्ष रहा है, क्योंकि यह खेल के उच्चतम स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान था। मैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल यानी कि BCCI, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन, चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा दिए गए अवसरों के लिए आभारी हूँ। दोस्तों, मुरली विजय के करियर पर नज़र डालें तो उन्होंने साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2008 में अपना सफ़र शुरू किया था। उन्होंने भारत के लिए 61 टेस्ट, 17 वनडे और 9 T20 मैच खेले। उन्होंने अपना आखिरी मैच साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेला था। तब से वे घरेलू मैचों को खेल रहे थे।